पीलीभीत के तहसील अमरिया क्षेत्र के ग्राम चका में आज एक ऐतिहासिक काम हुआ, जिसकी पूरे क्षेत्र में जिले में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। आज वह सपना क्षेत्रीय लोगों का साकार हुआ। प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर की अनुमति मिलने के बाद हेलीपैड बनाया गया था, जिसको लोग काफी दिनों से देख रहे थे कि यहां पर हेलीकॉप्टर आकर उतरेगा। आज शुक्रवार को क्षेत्रीय लोगों का हेलीकॉप्टर से आने वाली दुल्हन को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा, जिसको राजेश शर्मा ने आज दोपहर में पूरा कर दिया। पीलीभीत जिले के इतिहास में पहली बार एक युवक ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे हेलीकॉप्टर पर विदा कराकर अपने घर ले आया, जिसको लेकर सभी तैयारियां की गई थी। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरते ही गांव वालों का जोश देखने को था, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर अपने गांव लेकर आया है, जो पीलीभीत जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सराहना भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव के लोग राजेश शर्मा की हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने के लिए हेलीपैड पर एकत्र हुए और उन्होंने शादी का पूरा लुत्फ उठाया। राजेश शर्मा की शादी बरेली जिले के गांव भीलवाड़ा पिपरिया निवासी प्रकाश शर्मा की बेटी सोनी शर्मा से हुई है। राजेश अपनी बारात कार से लेकर गए थे। बरेली से अपनी दुल्हनिया को हेलीकॉप्टर से लेकर अपने गांव पहुंचे हैं। जो उनका सपना था उसको उन्होंने साकार कर दिखाया है। नई नवेली दुल्हन ने भी हेलीकॉप्टर से विदा कर ले जाने की इच्छा जताई थी। हेलीकॉप्टर देखकर राजेश शर्मा के गांव के लोग खुश हो गए। चका गांव ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में पहली बार दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे इलाके के लोग देखकर प्रसन्न हुए और काफी प्रशंसा की। यह पीलीभीत जिले में पहली शादी, ऐसी शादी हेलीकॉप्टर वाली अभी तक जिले में नहीं हुई है। राजेश शर्मा एक किसान परिवार से हैं। उनकी लगन और मेहनत देखकर आज पूरे क्षेत्र व जिले में उनकी चर्चाएं हो रही हैं। कैसा लग रहा है आज हेलीकॉप्टर से आप अपने ससुराल आइए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत लोगों में उत्साह है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने आज अपनी दुल्हन का सपना पूरा किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस है, वो मैंने सपना किया। मैडम आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अच्छा आप लोगों ने आज इंतजार बहुत कराया, जबकि 11 बज की। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन।